एक भारतीय मूल का विदेश में रहने वाला आदमी जो महिलाओं का रेप करता है, ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं है बल्कि ऐसा सच में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है पूरा मामला, कौन है ये आदमी और इस आदमी से जुड़ी हर एक डिटेल पर आज हम चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले मामला क्या है वो जान लीजिए। बालेश धनखड़ भारतीय मूल का एक आदमी है जो कि रहता है ऑस्ट्रेलिया में। बालेश धनखड़ पर आरोप है कि वो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर फंसाता था और अपने अपार्टमेंट में बुलाता था, जिसके बाद वो उनको किसी बहाने से नशे की दवा पिला देता था और लड़कियों के बेहोश हो जाने के बाद वो उनके साथ रेप किया करता था। यही नहीं, वो अपने एक वेबसाइट, अलार्म घड़ी और फोन के कैमरे से रेप करते हुए महिलाओं का वीडियोज भी रिकॉर्ड किया करता था। पुलिस ने धनखड़ के पास से ऐसे कई वीडियोज बरामद किए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं बेहोशी के हालात में हैं और धनखड़ उनके साथ रेप कर रहा है। ऐसे में कुछ महिलाएं बेहोशी के हालत में छटपटाती और खुद को बचाती हुई नजर आ रही हैं। इन वीडियोस में 95 मिनट की वीडियो भी है जिसमें वो कोरियन महिलाओं के साथ रेप कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद से धनखड़ की फोटो पीएम मोदी के साथ खूब वायरल हो रही है। फोटो में धनखड़ पीएम मोदी से हाथ मिला रहा है। हालांकि इस फोटो के सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस बीच हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि धनखड़ का क्या कनेक्शन है पीएम मोदी और बीजेपी से। तो धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका है। ये जो ग्रुप है वो बीजेपी का समर्थन करने वाला एक ग्रुप है। धनखड़ 43 इयर्स का है और बतौर डेटा एक्सपर्ट काम करता है। सिडनी की डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने धनखड़ को 5 कोरियन महिलाओं के साथ रेप करने का दोषी मान लिया है। बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने हालिया इतिहास का सबसे खराब रेपिस्ट बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान वकीलों ने बताया है कि बालेश ने महिलाओं की ड्रिंक में नींद की दवा स्टॉलनॉक्स या डे ट्रिप ड्रग रोहिप्रोल की गोलियां मिलाई थी। धनखड़ ने कोर्ट को बताया है कि उसने महिलाओं से झूठ बोला कि उसकी शादी ठीक नहीं चल रही है और वो अकेला था। बालेश के एक वकील ने कोर्ट में बताया है कि हर लड़की ने सेक्स के लिए उसके साथ पहले सहमति दी थी। अब ये मामला कब से शुरू हुआ वो भी जान लीजिए। बात है साल 2018 की, जब अक्टूबर में पुलिस ने धनखड़ के सीबीडी अपार्टमेंट में छापा मारा था, जहां पुलिस को रेप के कई वीडियोस मिले जिसमें से कुछ में महिलाएं बेहोश हैं तो कुछ नशे की हालत में। वीडियोस को धनखड़ ने अच्छे तरीके से फोल्डर में अरेंज करके रखा था। हर महिला का वीडियो उसके नाम के एक फोल्डर के साथ रखा था। तभी बालेश पर रेप के 13 मामले समेत 29 आरोप लगे हैं। पेरी डफिन नाम के एक जर्नलिस्ट ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में काफी डिटेल में इस खबर को रिपोर्ट किया है। अब धनखड़ जेल में है और उसे मई में कोर्ट जाना है और इसी साल के अंत में उसे सजा सुनाई जाएगी। बालेश धनखड़ से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।